हे गाइस, थैंक यू सो मच हमारी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मुझे लगता है आपको हमारी ये अमेजिंगली वियर्ड वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हो तो आपको तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। कर दो यार, बस एक क्लिक की तो बात है। क्या कर दिया? थैंक यू। हे एवरीवन, वैसे ये लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल चुका है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग अब भी अपने घरों में बंद हैं। और ऐसे में घर में छिपी कई सारी पुरानी चीज़ें हमारे हाथ लगी होंगी और हमारे बीते कल की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई होंगी। और उन्हीं यादों को लेकर आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। आज खिड़की से बाहर देखते एक अलग सा सन्नाटा महसूस हुआ। समंदर के किनारे लहरों की गूंज ने हल्के से मेरे मन को छुआ, पर आज घर में यूं ही बैठकर उस सन्नाटे को महसूस करना चाहता हूँ। हाथ में चाय का प्याला लेकर कुछ बातें अपने आप से करना चाहता हूँ। इन दिनों की तन्हाई में किसी अपने को ढूंढना चाहता हूँ। किसी अपने की खोज में ही आज यादों में खोया हूँ, उन बातों में, मुलाकातों में थोड़ा सा रोया भी हूँ, क्योंकि मेरे वक्त ने मुझे इजाज़त जो दी है। मैं इसी खोज में चल पड़ा। उस बंद कमरे का ताला तोड़कर कुछ पुरानी चीज़ों को समेटा मैंने, उनके साथ जुड़ी यादों को जोड़कर। उस खंडर जैसी जगह में वही एक छोटी सी अलमारी है, उसके ऊपर रखी वो पुरानी संदूक, फिर मेरे आज में लौट कर आई है। उस संदूक को बाहर निकाला मैंने, मेरी कीमती यादें थी उसमें। कोई जान ना सका ऐसा मेरा बचपन था जिसमें। वो स्कूल वाली कमीज अभी भी संभाल कर रखी है, वो आखिरी साल की तस्वीर जिसमें कई कहानियां छिपी हैं। एक चिट्ठी भी मिली कई राज दबे हैं उसमें। उसे ना खोलना ही बेहतर है, काफी दर्द है उस जख्म में। बहुत सारी चीजें बहुत सारी यादें उस जमी हुई धूल में अब भी ताजा है वो बातें। शायद बरसों से भी ज्यादा है उस संदूक की गहराई, पर दिल टूटता है ये जानकर उसमें ना वो नाम है ना ही परछाई।